मैं आज दो वचन आपके लिए पढ़ूंगा, उसके बाद हम वचन पर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 20 से 22 के बीच में मैं पढ़ता हूं, तब अय्यूब ने उठकर अपना वस्त्र फाड़ा और सिर मुंडाया और भूमि पर गिरकर आराधना की। उसने कहा कि मैं अपनी मां के गर्भ से नंगा निकला और नंगा ही चला जाऊंगा, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। 22वां, इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर अन्याय का दोष लगाया। हालेलुया। इसी का अध्याय दूसरा, उसका 7 से लेकर 6 से लेकर 10 के बीच में हम पढ़ेंगे। अतः यहोवा ने शैतान से कहा, सुन वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। 7वां, तब यहोवा के सामने से शैतान चला गया और उसने अय्यूब को उसके पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक भयंकर फोड़ों से पीड़ित किया। तब खुजलाने के लिए अय्यूब एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या तू अभी भी अपनी खराई पर स्थिर है? यहोवा की निंदा कर और मर जा। परंतु अय्यूब ने उससे कहा, तू मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने होठों से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया, धन्यवाद। ये वचन हमें क्या बताते हैं? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर बताना चाहता है। अय्यूब के पास क्या था ऐसा? सब कुछ चला गया अय्यूब का, उसके बच्चे चले गए, उसकी खेती चली गई, उसका घर चला गया, उसका राज्य चला गया, उसके भेड़ बकरी जानवर सब चले गए, उसका धन चला गया, वो फकीर हो गया। सर से लेकर पांव तक फोड़े ही फोड़े उसके शरीर में थे, लेकिन फिर भी वो कहता है कि क्या मैं परमेश्वर के लिए दुख ना सहूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है मूर्ख पत्नी, है मूर्ख स्त्री, जो मुझे परमेश्वर ने दिया है, क्या मैं परमेश्वर को इसलिए मानता हूं कि वो मुझे सिर्फ सुख दे? प्रेज द लॉर्ड। क्या बता रहा था यहां पर अय्यूब? कौन सी शक्ति थी अय्यूब के पास? परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। क्या था अय्यूब के पास? परमेश्वर की शक्ति। अय्यूब की शक्ति क्या है? परमेश्वर का प्रेम। और शैतान को परमेश्वर बताना चाहता था, शैतान जो मुझसे प्रेम करता है तू उसके संग कुछ भी कर ले, चाहे सताव में जाएगा वो, चाहे मुसीबत में जाएगा, फिर भी वो मेरी महिमा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मेरा प्रेम उसके अंदर है। परमेश्वर का प्रेम हमें शक्ति देता है। हालेलुया। और जिस दिन शैतान देख लेता है कि इस बच्चे के अंदर, इस भाई के अंदर, इस बहन के अंदर परमेश्वर का प्रेम है, मैं विश्वास दिलाता हूं मेरी बहन, वो आपके करीब नहीं आएगा शैतान। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शुरू से, उत्पत्ति के समय से आप देखिए कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे अंदर डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम को बनाया उसने अपनी समानता, अपने स्वरूप में क्या डाला उसके अंदर? अपना प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कुछ किसका है? तेरा है बेटे। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम के संग घूमता था, आदम से बात करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे अंदर बोया है। वो चाहता है कि मेरा प्रेम तुम में रहे, मेरा प्रेम तुम में रहे, और मेरे प्रेम के सहारे तू अपने जीवन को जी, क्योंकि मेरे प्रेम में ही वो शक्ति है, मेरे प्रेम में ही वो जीवन है, मेरे प्रेम में ही वो ज्योति है जो तुझे अंधकार से निकालती है। हालेलुया। मूसा को अपने प्रेम से भर दिया था, इब्राहिम को परमेश्वर ने अपने प्रेम से भर दिया था। इसलिए इब्राहिम ने, जब परमेश्वर ने मांगा कि इब्राहिम तू इसहाक को बलि दे, 100 साल के बाद तुझे बेटा हुआ है, 100 साल के बाद मैंने तुझे बेटा दिया है, चल अपने बेटे को बलि कर मेरे लिए। इब्राहिम ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने एक पल भी नहीं सोचा कि 100 साल के बाद मुझे बेटा मिला है, मेरी जो बीवी है वो मरी हुई हालत में है, उसकी कोख मरी हुई हालत में है, उसके बावजूद भी परमेश्वर मुझसे मेरा बेटा मांग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 22:5 में, तो वो उठा,
वो उठा, रात का अंधेरा था, सुबह होने वाली थी, उसने कहा, उसने अपने गधे को तैयार किया, उसमें उसने लकड़ियां ढाली, हालेलुया, दो सेवक लिए, अपने बच्चे को लिया और मोरिया पर्वत की तरफ ले निकल पड़ा वो। प्रेज द लॉर्ड। क्या था उसके पास, क्या देने जा रहा था वो? बलिदान। किसका? अपने इकलौते पुत्र का। कौन था उसका पुत्र? इसहाक, जिससे वो बेहद प्रेम करता था। लेकिन क्या था उसके पास? परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया, उसके पास परमेश्वर की शक्ति थी, इसलिए उसने कहा नहीं, हालेलुया, मुझे परमेश्वर चाहिए, मेरे परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया है, इसलिए परमेश्वर ने मुझसे मांगा है, परमेश्वर ने मुझसे मांगा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी बहन, परमेश्वर का प्रेम आपको आजाद करता है, परमेश्वर का प्रेम आपको जीवन देता है, परमेश्वर का प्रेम आपको शक्ति देता है, हर शैतान से लड़ने की शक्ति, हर मुसीबत से लड़ने की शक्ति आपको देता है परमेश्वर का प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम लड़ा, इब्राहिम ने कहा नहीं, मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को मैं जान गया हूं। हालेलुया। अय्यूब, अय्यूब यहां पर था और परमेश्वर की नजरों में अय्यूब खरा इंसान था। शैतान ने कहा कि अरे ये अय्यूब, जिसको आप खरा इंसान कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, वो खरा क्यों है? क्योंकि आपका बाड़ा उसके चारों तरफ है, आपने उसे घेर रखा है, आपने उसे सब कुछ दे रखा है, इसलिए वो आपकी स्तुति करता है, इसलिए आपकी आराधना करता है। अरे आप उसे लेकर तो देखिए, ये सारी चीजें लेकर देखिए, फिर देखिए वो आपकी निंदा करेगा। हालेलुया। पिता ने कहा शैतान, तू नहीं जानता है, तू नहीं जानता है कि प्रेम में कितनी शक्ति है। हालेलुया। तू सिर्फ उसके धन को देख रहा है, तू सिर्फ उसके शरीर को देख रहा है, तू सिर्फ उसके जानवरों को देख रहा है, तू उसके महलों को देख रहा है, मैं उसके मन को देख रहा हूं। हालेलुया। इसलिए शैतान जा और अय्यूब को कष्ट दे, छीन ले उसका सब कुछ, लेकिन मैं जानता हूं कि वो मेरी निंदा नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में मेरा प्रेम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी बहन, अगर आपके मन में परमेश्वर का प्रेम है तो आप सताव में आनंद उठाएंगे, आप उसकी जय जयकार करेंगे, आप धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इसीलिए कहता है कि हमें उसके प्रेम को अपने अंदर रखना है। याकूब का पहले का दूसरा अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि परीक्षाएं क्यों होती हैं, हमें परीक्षा में क्यों डालता है परमेश्वर, हमें परीक्षा से होकर क्यों गुजरने देता है परमेश्वर। आप जानते हैं, आपको परीक्षाओं से होकर गुजरने क्यों देता है परमेश्वर? ताकि वो चाहता है कि उसका प्रेम आप में दिखे। हालेलुया। कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं है, कोई भी ऐसा दुख नहीं है, कोई भी ऐसी चट्टान नहीं है जिसको परमेश्वर हटा नहीं सकता है हमारे जीवन में। आपके जीवन में कोई भी ऐसा दुख नहीं है, ऐसी चट्टान नहीं है, ऐसी रुकावट नहीं है जिसको यीशु मसीह के नाम से निकाला नहीं जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि दुख आएंगे, संकट आएंगे, लेकिन मैं जो प्रेम हूं, मुझे तू अपने अंदर रख, मेरे प्रेम को तू अपने अंदर रख, मेरे प्रेम को तू पहचान, मेरे प्रेम में तू बन जा, मेरे प्रेम में तू बस जा, मेरे प्रेम के साथ एक हो जा, फिर कोई भी शैतानी शक्ति तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब को तबाह कर शैतान खुश था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन शैतान ने अय्यूब को तबाह किया, वो उसी दिन हार गया, उसी दिन हार गया वो, क्योंकि क्या कहता अय्यूब कि मुझे दिया परमेश्वर ने है। हालेलुया, परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने लिया है। अरे शैतान तू कहां आया, तेरा नाम तक कहीं नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शैतान कहता था कि मुझे कोई मान सम्मान देगा, अरे नहीं शैतान, तू हारा हुआ है, तू कुछ नहीं कर सकता। हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है, हमारे अंदर परमेश्वर की शक्ति है, और यह शक्ति तू हमसे छीन नहीं सकता।
प्रेज द लॉर्ड, भले ही तू हमारे शरीर को नाश कर सकता है, भले ही तू हमारे धन दौलत निकाल सकता है, भले तू हमें बीमार कर सकता है, लेकिन मेरे मन को तू परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसलिए वो क्या कहता है, याकूब 1:2 क्या कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तू नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, तो इसे आनंद की बात समझो। हालेलुया। जब भी तुम विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। क्यों? प्रेज द लॉर्ड। जब भी आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं, आप विश्वास करिए वो पल आ गया है जब परमेश्वर आपके अंदर अपना प्रेम देखना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपने प्रेम को दिखाने का वक्त आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। कोई आपको अगर हेल्प करता है, कोई अगर आपको मुसीबत में साथ देता है, आप क्या सोचते हैं, यार कब मैं इस काबिल बनूं कि अपनी बहन का मैं भी साथ दूं। प्रेज द लॉर्ड। कब वो मौका आए जब मैं भी इनको खाना खिलाऊं, कब मौका आए जब मैं भी इनको सहायता करूं। प्रेज द लॉर्ड। हम सोचते कि नहीं सोचते? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परीक्षाओं में हमें मौका मिलता है कि हम परमेश्वर को दिखाएं कि उसका प्रेम हमारे अंदर कितना है। हालेलुया। इसलिए परीक्षाएं हमें आनंद देती हैं, परीक्षाएं हमें सुख देती हैं, क्योंकि परीक्षाएं ही हैं जो हमें बताती हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर है, और वो परीक्षाएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए याकूब 1:12 का कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। बहुत मुश्किल है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर का कानून उसका प्रेम है। आप परमेश्वर के कानून को नहीं समझ रहे हैं। परमेश्वर का कानून दुनिया के कानून से अलग है। वो धन्य उसको नहीं कह रहा है जिसके पास पैसा है, जिसके पास सुख है, जिसके पास आनंद है। नहीं, वो धन्य उसको कहता है जो परीक्षा में स्थिर है। हालेलुया। क्या कहता है? धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। पढ़िए बेटा। धन्य मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हाँ? क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। क्योंकि वो खरा निकलेगा, उसकी स्थिरता उसे खरा बना देगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसकी स्थिरता उसे प्योर कर देगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरी परीक्षा मुझे प्योर करती है, मेरी परीक्षा अगर मुझे वो जीवन का मुकुट देती है, तो प्रार्थना करता हूं मैं कि प्रभु मुझे परीक्षा में डाल। हालेलुया। परमेश्वर मुझे परीक्षा में डाल, क्योंकि मैं वो जीवन का मुकुट पहनना चाहता हूं जो तूने मेरे लिए रचा है। हालेलुया। इसलिए परीक्षाओं से मत डरिए, परीक्षाओं से मत भागिए। आपके जीवन में परीक्षाएं आनंद का विषय होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपको पिता को बताना है कि पिता, आज मैं 5 साल से 10 साल से प्रभु में आ रही हूं, आज वो ज्ञान जो मुझे मिला है उस ज्ञान को मुझे दिखाने का मौका मिल रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परीक्षाओं में स्थिरता रहिए ताकि वो मुकुट जो जीवन का मुकुट है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया। वो प्रतिज्ञा मेरे पास है, वो प्रॉमिस मेरे पास है, वो जीवन का मुकुट मेरे लिए है, और वो जीवन का मुकुट मुझे परमेश्वर के सामने खड़ा करेगा, वो जीवन का मुकुट मुझे परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा कर देगा। हालेलुया। इसलिए परीक्षाओं में आनंद उठाइए, क्योंकि उसका सॉल्यूशन, उसका उपाय किसके पास है? परमेश्वर के पास है। और परमेश्वर कहां है? आपके पास। परमेश्वर कहां है? आपके अंदर। हालेलुया। इसलिए कोई भी चीज आपको मिटा नहीं सकती है, कोई भी चीज। उदाहरण है अय्यूब, उदाहरण है अय्यूब, उसका चरित्र। लोग अय्यूब को देखते हैं तो देखते हैं कि शैतान के क्या क्या काम है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अय्यूब को देखने का अगर आपकी दृष्टि है, अगर आप अय्यूब को देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर के प्रेम को देखिए उसमें।
परमेश्वर के प्रेम को देखिए, कितना परमेश्वर को जानता था। क्या हम जानते हैं परमेश्वर को? वो क्यों नहीं डगमगाया? क्योंकि वो खुद जानता था कि मैं परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर भरपूर है। हालेलुया। अय्यूब जोब 23:10-11-12 अय्यूब जोब का 23:10-11-12 प्रेज द लॉर्ड। मेरी बहन, हमें जानना है कि हम क्या हैं, मेरे पास क्या है। परमेश्वर का सामर्थ है। अभी हमने क्या लिया? परमेश्वर का सामर्थ। हमने वो भोजन लिया जो सामर्थ देता है। हमारे अंदर वो शक्ति है जो लहू बनकर हमारे अंदर जीवित है। इसलिए विश्वास करिए मेरी बच्ची कि शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई बीमारी आपके कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई मुसीबत आपको छेड़ नहीं सकती है, क्योंकि आप यीशु के लहू से पवित्र किए जा चुके हैं। वो क्या कहता है अय्यूब जोब 23:10-11-12 क्या बताता है? यहां पर ये वचन बताता है कि अय्यूब खुद को तो जानता ही है, वो परमेश्वर को भी जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई, हम यहां कलीसिया आते हैं, हम वचन सुनते हैं, वचन पे हम हालेलुया बोलते हैं, आमेन बोलते हैं। क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? और उससे भी पहले, क्या हम खुद को जानते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के रचे हुए हैं। मेरी बहन, हमें खुद को जानना है कि आप यीशु में कौन हैं, आप यीशु में कौन हैं, आप में यीशु कौन है। हालेलुया। पढ़िए बेटा, क्या कहता है 23:10? परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब कहता है मेरा पिता जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई नहीं कह पाया पिता के बारे में, कोई नहीं बोल पाया कि मैं पिता जानता है मुझे। अय्यूब बोल रहा है कि मेरा पिता, मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, यानी कि मैं कैसा पवित्र हूं, मैं कितना खरा हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने परमेश्वर के चरणों में नतमस्तक किया है, मैं परमेश्वर के लिए जिया हूं, उसकी आज्ञा मेरे लिए सर्वमान्य है। वो जानता है कि मैं कौन हूं। प्रेज द लॉर्ड। उसे परमेश्वर के साथ साथ अपने आप पर गर्व है। परमेश्वर जानता है, वो जानता है कि मैं कौन हूं, वो जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं, उसने दिया है, उसने लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। और जब आगे, हाँ आगे, और जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने से समान निकलूंगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे परीक्षा में डाला। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे आग में डाला, उस भट्टी में डाला, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस भट्टी से, आग की भट्टी से जब मैं निकलूंगा तो मैं सोने के समान चमकूंगा। हालेलुया। जब आग की भट्टी से तू मुझे निकालेगा परमेश्वर, तो तू पाएगा कि मेरे अंदर तेरी शक्ल दिख रही है, मेरे अंदर तू दिख रहा है। अय्यूब कहता है पिता धन्यवाद कि तूने मुझे आग में डाला। धन्यवाद दीजिए आप परीक्षाओं में पढ़कर। धन्यवाद परीक्षा में आया मैं। धन्यवाद कि तूने मुझे परीक्षा में डाला, क्योंकि मैं जब परीक्षा में से तू मुझे निकालेगा तो देखेगा कि मैं सोने की तरह पवित्र हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा शैतान से, जा, वही खरा इंसान है इस धरती पर, जा आजमाइश में डाल उसको तू। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि संसार अय्यूब के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को देखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके द्वारा, आपकी परीक्षाओं के द्वारा अपने प्रेम को दुनिया के सामने दिखाना चाहता है। कैसे?
आप जब परीक्षा में आए तो आनंद मनाइए। आपका पड़ोसी पूछेगा, अरे बहन आप परीक्षा में है, आप मुसीबत में है, आप स्तुति कर रही हैं, आप आराधना कर रही हैं। आप बोलिए, भाई आप नहीं समझते, मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, उसका प्रेम मैं जान गई हूं। ये मुसीबत क्या है, मैं उसके लिए कुछ भी सहन कर सकती हूं। हालेलुया। अरे ये कष्ट तो कुछ भी नहीं है। उसके बच्चे मर गए अय्यूब के, उसके घोड़े, उसके ऊंट, उसके गधे, पूरा उसका जितने महल थे तबाह हो गए, सब कुछ एक घंटे में, एक घंटे में सब कुछ तबाह हो गया उसका। उसके दोस्त कहते हैं कि तूने कोई गलती की होगी। दुनिया है, जब आप मुसीबत में होते हैं ना तो दुनिया आपको गलत कहती, कह रहे हैं तुम में कुछ गलती हो गई, तुमने कुछ गलत किया होगा। हालेलुया। लेकिन वो क्या कहता है, पिता जानता है कि मैं कौन हूं। प्रेज द लॉर्ड। जो मेरी परीक्षा कर रहा है, जिसने मुझे आग में डाला है, वो जानता है मैं कौन हूं। मैं तैयार हूं आग में रहने के लिए। धन्यवाद। क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं सोना हूं। तुम जितना मुझे आग में डालोगे उतना ही मैं निखरूंगा। तुम जितना मुझे आग में डालोगे उतना ही मेरा रूप निखरेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं सोना हूं। क्यों सोना हूं? क्योंकि पिता का प्रेम मेरे अंदर है। हालेलुया। पिता का प्रेम मेरे अंदर है। ग्यारहवां, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे। दृढ़ता से बोल रहा है वो, मेरे पैर ढकमकाए नहीं, मेरे पैर स्थिर रहे। यही तो चाहता है परमेश्वर। उसके पैर कैसे स्थिर रहे? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर था हमेशा। उसके पैर स्थिर रहे, कहीं ढकमकाए नहीं, कहीं उसने टेढ़ी चाल नहीं चली, उसने खराई से जिंदगी जी है। ये कैसे बता पा रहा है वो? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, उसकी शक्ति उसके अंदर है। इसलिए वो कहता कि मैंने कोई गलत चाल नहीं चली है, मैं सही चाल चल रहा हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। इस धरती पर रहकर मैंने कोई काम नहीं किया गलत। और अंतिम समय में परमेश्वर हमसे पूछेगा। और कलीसिया इसलिए बनी है ताकि हम अपने गलत कामों से छुटकारा पाकर पवित्रता के जीवन को जिए। कलीसिया इसलिए बनाई है परमेश्वर ने ताकि कलीसिया में हमारा स्वरूप बदले, हमारा अंदर का रूप बदले, हम पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएं, बिना झुर्री के कलीसिया, निष्कलंक कलीसिया, निष्पापी कलीसिया, हम वो देह बन जाएं जिसमें रूप, जिसमें पवित्रता का रूप हो, जो निष्कलंक हो, जो निष्पापी हो, हम वो देह बन जाएं। क्योंकि जब यीशु आएगा तो खरे लोगों को ही लेकर जाएगा। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि मैं खड़ा हूं, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, मेरे पैर उसके मार्गों पर स्थिर रहे हैं और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा हूं। मैंने और किसी का हाथ नहीं थामा। किसी के बंगले को देखकर, किसी की गाड़ी को देखकर मेरे अंदर लालच नहीं आया। यस, मेरे पास जो था उसमें मैंने शुक्र मनाया। यही तो स्थिरता है। हमारी स्थिरता शैतान तोड़ता है। हम जाते हैं किसी घर में, किसी घर को देखते हैं, अरे यार ऐसा घर हमारा भी होता तो कितना अच्छा था, ऐसी कार हमारे पास भी होती तो कितना अच्छा था। बहुत अच्छी बात है, ये कामना करनी अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले धन्यवाद दो कि इनका 10 कमरों का फ्लैट है, मेरे पास आपने 1 रूम दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, मुझे बहुत आशीष दिया है आपने। हालेलुया। तभी आप स्थिर रहेंगे, नहीं तो शैतान आपको ले जाएगा, ले जाएगा आपको सपनों में, और आप
उस मार्ग से निकल जाएंगे। जितना मिल रहा है उसका धन्यवाद, जितना मिल रहा है, दो रोटी मिल रही है बहुत धन्यवाद करिए, रोटी खाते समय उसका धन्यवाद करिए, रोटी बनाते समय उसका धन्यवाद करिए। मैं हर पल हर सांस में अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं था, मैं आज तूने इस योग्य बनाया कि मैं इस गाड़ी में चल रहा हूँ। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे क्या दे दिया है। मैं क्या था? कुछ भी नहीं था, मैं किसी योग्य ही नहीं था, अभी भी मैं किसी योग्य नहीं हूं। अगर यीशु मेरे साथ नहीं है तो मैं शून्य हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं उसके बिना, कुछ भी नहीं हूं। आप और मैं उसके बिना कुछ भी नहीं है, ये हमेशा अपने दिमाग में रखिए, कुछ भी नहीं है। हमारा धंधा उसकी वजह से, हमारे बुद्धि उसकी वजह से, हमारे हाथों में शक्ति उसकी वजह से, कुछ भी नहीं है। इसलिए दीनता के साथ, नम्रता के साथ उसके साथ रहिए, धन्यवाद देते रहिए उसने जो हमें दिया है। इसलिए वो कहता है कि मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा, मैं कहीं भी नहीं मुड़ा। क्या शैतान ने इसको आजमाइश में नहीं डाला होगा? हालेलुया। जिस तरीके से आजमाइशों में हम लोग आते हैं, कभी हमें ये दिखता है, कभी वो दिखता है, कभी हमारा मन ये करता है वो करता है, क्या इसका मन नहीं कह रहा होगा? इसलिए वो कह रहा है, उसका मन किया होगा लेकिन उसने कहा मैं मुड़ा नहीं, बिना मुड़े। मेरे सामने भी अच्छी चीजें आई, शैतान ने कहा मुड़कर देख, लेकिन मैं नहीं मुड़ा क्योंकि मेरे हाथ में तेरा हाथ था। हालेलुया। अपने हाथ में उसके हाथ को महसूस करिए, प्रेज द लॉर्ड। अपने अंदर यीशु को महसूस करिए। आप पाप नहीं करेंगे, आप पाप के बारे में सोचेंगे भी नहीं। यीशु को अपने अंदर रखिए। आज आपने यीशु को अपने अंदर लिया है, हमेशा उसको अपने अंदर रखिए, मेरे अंदर यीशु है। इसलिए ना जब यीशु आपके अंदर होगा ना घमंड आएगा, ना ईगो आएगा, ना ईर्ष्या आएगी, कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि यीशु आपके अंदर है। उसके अंदर कभी एक घमंड नहीं आया, यीशु के अंदर कभी आया? उसने कहा कि मैं ही हूं तुम्हें बताने वाला? उसने कहा मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां कहीं किसी ने बुलाया, कहीं आपने बाइबल में पढ़ा है कि उसने किसी से कहा यार 10 मिनट रुको, मैं 10 मिनट में तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा? वो शरीर में था, रात भर जागता था, दिन भर सेवा करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके चेलों को भूख लगती थी, उसको भूख नहीं लगती थी क्या? लेकिन उसने क्या कहा, मेरी भूख परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी भूख क्या है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। मेरा जीवन क्या है? परमेश्वर के रास्ते पर चलना। हमारा जीवन क्या है? परमेश्वर के रास्ते पर चलना, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर की अगुवाई में चलना, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से उसकी अगुवाई में चलना, यह है हमारा जीवन। अगर हम ऐसा जीवन नहीं जीते बहन, तो आप खतरे में आ सकते हैं। हमें वो जीवन जीना जो परमेश्वर ने हमको दिया है। जैसे अय्यूब कहता है कि मेरे पैर कहीं नहीं भटके, बिना मुड़े मैं तुझे थामे रहा। इसका मतलब समझते हैं? बिना मुड़े मैं थामे रहा। हम क्या करते हैं? हम मुड़ना भी चाहते हैं और थामना भी चाहते हैं। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, परमेश्वर को भी ना छोड़ूं और ये संसार भी मुझे मिल जाए। नहीं, अगर आप मुड़े शैतान आपको ले जाएगा। हमें उस तरफ देखना ही नहीं है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि मेरी भेड़ कौन है? जो मेरी आवाज सुनती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे चेले कौन है? जो मेरे वचनों पे चलते हैं, जो मेरे वचनों पे चलते हैं वही मेरे चेले हैं।
मेरी आवाज कौन सुनेगा? जो मेरी भेड़ होगी, जो मुझे जानेगी। नेक्स्ट 12वां, उसकी आज्ञा पालन करने से मैं न हटा, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं कभी नहीं हटा। हालेलुया, वो कितने गर्व से कह रहा है, मैं एक सोने की तरह हूं, आप मुझे भट्टी में डालिए और आप निकालिए, आप अपने चेहरे को देखेंगे उसमें, क्योंकि मैं सोना हूं। मैं 12वें अध्याय को पढ़ता हूं अपने बाइबल में से, मैं उसके होठों की आज्ञा से नहीं हटा नहीं हूं, मैंने उसके मुंह के वचनों को अपने दैनिक भोजन से भी अधिक बहुमूल्य जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके वचनों को, उसकी आज्ञा को अपने दैनिक भोजन से अधिक बहुमूल्य जाना है। अय्यूब कहता है कि मेरे लिए भोजन की वैल्यू नहीं थी, मेरे लिए वैल्यू थी उसकी आज्ञा को चलना। मेरे लिए वैल्यू क्या थी? उसकी आज्ञा पे चलना, वो मेरे लिए बहुमूल्य थी, वो मेरे लिए कीमती थी, उसकी आज्ञा मेरे लिए कीमती थी। इसलिए भजन संहिता 119 का 1 और 2 निकालिए, भजन संहिता 119 का 1 और 2, 1 और 2, उसकी आज्ञा पे चलना मेरे लिए बेश कीमती था, भोजन से ज्यादा। इसलिए यीशु ने उस सामरिया स्त्री से कहा, चेलों से कहा कि मेरा भोजन अपने पिता की इच्छा पूरी करना है। हालेलुया, चलिए बहन, क्या ही धन्य है वे जो चाल, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। हमारी चाल का खरापन होना बहुत जरूरी है। हम कैसी चाल चल रहे हैं? परमेश्वर का प्रेम हमें खरी चाल चलाता है। हमारी चाल में कहीं गड़बड़ तो नहीं है? हमारी चाल, हमारे पैर कहीं हमको और जगह तो लेके नहीं जा रहे हैं? हम अपने छोटे से फायदे के लिए कहीं कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं? हम अपने अहम को सेटिस्फाई करने के लिए किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे हैं? आप कहेंगे, पास्टर उसने हमारा दिल दिखाया। कोई बात नहीं, यही तो परीक्षा है। सामने वाला आपका दिल दुखाए फिर भी आपके अंदर से प्रेम ना जाए, यही तो है परीक्षा। और परीक्षा क्या है? धन्यवाद कि मेरा कोई दिल दुखाए, ताकि मैं उस समय अपने आप को पहचानूं कि मैं कितना प्रभु में हूं। प्रेज द लॉर्ड, कुछ भी हो जाए प्रभु का प्रेम हमारे अंदर से ना जाए। हालेलुया, क्या हम कभी ऐसी परीक्षा में पढ़े हैं जो इब्राहिम पढ़ा था? उससे कहा था अपने बच्चे को जाओ बलि करो, कहना बड़ा आसान है। इब्राहिम को कहते हैं, इब्राहिम बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन वो बाप भी था, वो पिता भी था, 100 साल के बाद उसे बेटा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड, क्या हम कभी ऐसी किसी परीक्षा में पढ़े? नहीं, हम इन छोटी परीक्षाओं से ही निकल नहीं पाते। छोटी छोटी परीक्षाएं जिनका कोई मूल्य नहीं है, हम उससे नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। हम छोटी परीक्षा में नहीं बता पा रहे हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए है। वो कहता है दुश्मनों से प्यार करो, जब वो कहता है दुश्मनों से प्यार करो तो हमें अपनों से कितना प्रेम करना है। हालेलुया, हमें अपनों से कितना प्रेम करना है। इसलिए अय्यूब कहता है कि मैं कभी नहीं टला। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। जैसे यहोवा को समझा, जैसे यहोवा की व्यवस्था को समझा, क्या है धन्य है वो लोग। धन्य है अय्यूब, धन्य है मूसा, धन्य है इब्राहिम, यहोशू, शमूएल, पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना, यिर्मयाह, एज़ेकियेल, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं। उन्होंने बहुत दुख उठाए, बहुत कष्ट उठाए। परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना आसान नहीं है, हमें अपने आप को मना करना पड़ेगा। इसलिए यीशु कहता है कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तुम अपना क्रूस उठाओ। क्रूस क्या है? आपको अपने आप को मना करना पड़ेगा, आपको अपने आप को मना करना पड़ेगा।
इनकार करना पड़ेगा, खुद का इनकार करो। नहीं, खुद का इनकार कैसे करेंगे? अपने शरीर को मना करना पड़ेगा, प्रभु के लिए अपने शरीर के सुख को नाश करना पड़ेगा। इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूं, 1 कुरिन्थियों 9:27, कष्ट देता हूं ताकि मैं औरों को प्रचार करके खुद आसमाइश में ना जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है धन्य है वो मनुष्य जो व्यवस्था पर चलते हैं। दूसरा, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनी को मानते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं। उसने जो आपको ताड़ना दी, उसने जो आपको कहा है नहीं करना, चेतावनी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चेतावनी, उसकी आज्ञा, उसकी चेतावनियों को मानना है। धन्य है वो जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं कि नहीं मुझे कैसे जीवन जीना है। धन्य है वो जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं, संदेह लेकर नहीं, शिकायत लेकर नहीं। कोई संदेह आपके मन में ना हो, परमेश्वर की चेतावनियों को मानना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी चेतावनियां क्या है? उसकी आज्ञा है। अगर तुम पूर्ण मन से मुझे नहीं खोजोगे तो तुम मुझे नहीं पाओगे। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर को पाना तो आपको संपूर्ण मन से उसको खोजना है, अपना मन इधर उधर नहीं लगाना है। इसलिए वो कहता है, इसका 24वां निकालिए, 24:19-24। तेरी चेतावनियां मेरा सुख मूल, तेरी चेतावनियां तो मेरा आनंद है, वे मेरी सलाहकार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता भजनकार कि तेरी जो चेतावनियां है वो मेरे लिए आनंद है। धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि मुझे किस तरह रहना है। धन्यवाद कि मुझे परमेश्वर ने कहा शैतान अपने दुश्मनों को माफ करना है। धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया। सलाहकार है, तेरी चेतावनियों से मुझे सलाह मिलती है, मुझे गाइडेंस मिलती है कि मुझे कैसे काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद कि तू मुझे चेतावनी देता है। धन्यवाद कि तू मुझे डांटता है। धन्यवाद कि तू मुझे ताड़ना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी चेतावनियां मेरी सलाहकार हैं और मेरे लिए आनंद है। आनंद, लोग कहते हैं कि परमेश्वर की आशीषों में हमें आनंद मिलता है, लेकिन वो क्या कहता है? उसकी चेतावनियों में मुझे आनंद मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी चेतावनियां, इसकी धन्यवाद जिसने मेरी बहन उसकी चेतावनियों को समझ लिया। इब्राहिम नहीं समझ पाया था। उत्पत्ति 14 में वो मिस्र गया जहां परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। मिस्र से हाजरा को लेकर आया जो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। अध्याय 16 में वो अपनी पत्नी के कहने के अनुसार हाजरा के साथ गया और इश्माइल पैदा हुआ जो कि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। और उत्पत्ति 17 का पहला निकालिए, उसमें परमेश्वर उसे चेतावनी देता है। उसे परमेश्वर चेतावनी, उत्पत्ति 17 का पहला, कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं जो कह रहा हूं उसको समझ। उत्पत्ति 17:1, जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। क्योंकि इब्राहिम परमेश्वर की उपस्थिति से निकल गया था। इब्राहिम जब 86 साल का था तो इश्माइल पैदा हुआ। 13 साल तक परमेश्वर ने इब्राहिम से बात नहीं की। जब वो 99 साल का हुआ तब परमेश्वर ने दर्शन देकर उसे कहा, सुन, मेरी उपस्थिति में रहे, जो मैं कहता हूं उसको समझ।
क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। हालेलुया। तब उसने वाचा बांधी खतने की, लेकिन इस चेतावनी को इब्राहिम ने समझ लिया और उसके बाद वो उसी तरीके से चला जैसे परमेश्वर चाहता था। प्रेज द लॉर्ड। हम संसार को अपने अंदर से निकाल नहीं पाते इसलिए भटक जाते हैं। मेरी उपस्थिति में चल, मैं सर्वशक्तिमान। उसे बताना पड़ा, हे इब्राहिम, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मुझसे बड़ा शक्तिमान कोई नहीं है, मुझसे बड़ा परमेश्वर कोई नहीं है, मुझसे ऊंचा, मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है, मैं ही हूं, मेरी उपस्थिति में चल, तब तो सिद्ध होगा। और यह बात मूसा ने समझ ली थी। मूसा ने परमेश्वर के संग रहते हुए अद्भुत चमत्कार देखे। इसराइलियों को जब मिस्र से लेकर आया परमेश्वर, लाल समुद्र को दो भागों में बांटा, चट्टान से पानी पिलाया, 40 साल तक मन्ना खिलाया, सब कुछ देखा मूसा ने कि कौन है परमेश्वर। 40 दिन 40 रात मूसा परमेश्वर के साथ सीनै पर्वत पर था। हालेलुया। वो देख रहा था कि परमेश्वर का अद्भुत आशीष, वो सामर्थ को देखता था, वो परमेश्वर की उपस्थिति को देखता था, उसकी आवाज सुनता था, प्रेज द लॉर्ड, उसके अभिषेक को महसूस करता था, लेकिन फिर भी मूसा कहता था, निर्गमन 33:15-16, कि ये तू अगर मेरे साथ नहीं चले तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं परमेश्वर। मूसा जान गया था, मूसा जान गया था कि मैं इसके बिना नहीं चल सकता। मूसा के अंदर वो प्रेम परमेश्वर का था, वो शक्ति परमेश्वर की थी, वो ज्ञान परमेश्वर का आ गया था। उसने कहा नहीं, मैं परमेश्वर के बिना नहीं चल सकता। इसलिए उसने कहा 33:15, उसने कहा यदि तू आप ना चले, यदि तू मेरे साथ आप ना चले तो हमें यहां से आगे मत ले जा। हे पिता, अगर मेरे बिजनेस में तू नहीं है तो मुझे यह बिजनेस नहीं चाहिए। मेरी नौकरी में अगर परमेश्वर तू नहीं है तो मुझे नौकरी नहीं चाहिए। अगर मेरे घर में तू नहीं है तो मुझे घर नहीं चाहिए। तेरा होना मेरे लिए जरूरी है। मूसा जान गया था, उसने कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से मत आगे लेके जा। 16, ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी, क्योंकि ये कैसे जाना जाएगा, अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो ये कैसे जाना जाएगा कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, अपनी प्रजा पर है। कैसे नहीं कि तू हमारे संग संग चले जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप नहीं चाहते मेरी बहन कि आप जब धरती पर चलें तो आपको आपको लगने, दुनिया को लगे कि आप चुने हुए जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हम यीशु के चुने हुए हैं, हमारे अंदर यीशु है। जब आप चलें तो आप में लोगों को यीशु दिखे। मूसा चाहता था कि हमारे साथ चल ताकि लोगों को दिखे, पृथ्वी के लोगों को दिखे कि हम तेरे हैं, अगर तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 127:2, भजन संहिता 127:2, अगर तू नहीं है, अगर तेरी उपस्थिति नहीं है, तू मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है तो मुझे परिवार नहीं चाहिए, तू मेरी शादी का हिस्सा नहीं है तो मुझे शादी नहीं करनी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बहन, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के सामर्थ को समझिए। अगर वो नहीं है हमारे साथ, हम कुछ भी नहीं है। पहला 27 का पहला देखो क्या है, यदि घर को यहोवा ना बनाए। हाँ, यदि यहोवा ही ना बनाए, दोबारा पढ़िए बेटा, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। हाँ, यदि नगर की रक्षा करने यहोवा ना करे
तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हाँ, हालेलुया। पहला पहला पहला, यदि घर को यहोवा ना बनाए, अगर आपके घर में यहोवा नहीं है तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आप कितनी भी सजावट कर लें अपने घर में, बेडरूम में कितने भी चांद सितारे लगा लें, कितने भी चार चार एसी लगा लें, कुछ भी लगा लें आप, अगर प्रभु आपके अंदर नहीं है, आपके घर में नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे काम में अगर परमेश्वर नहीं है मेरे भाई, तो कोई फायदा नहीं है। आप चाहे रोज के 10 लाख कमाते हो, लेकिन अगर उन 10 लाख पे पैसों में, रुपयों में परमेश्वर नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। आप चाहे रोज के 10 लाख कमाते हो, और अगर परमेश्वर है, और आप अगर रोज के 200 कमाते हैं, उसमें भी आपको परमेश्वर का आनंद दिखेगा। हालेलुया। उसके प्यार को आप महसूस करेंगे, आप महसूस करेंगे कि यीशु आपके साथ है, वो सामर्थ, वो शक्ति, वो सुख, वो शांति का अनुभव करेंगे आप। इसलिए परमेश्वर कहता है उसकी बुद्धि से चलो, अपनी बुद्धि का उपयोग मत करो। हम कभी कभी अपनी बुद्धि का उपयोग करके बेवकूफ बनते हैं। धीरज रखो, कोई भी काम शुरू करने से पहले, कोई भी नई चीज लाने से पहले, कुछ भी करने से पहले उसको सोचो, प्रार्थना करो, विश्वास करो, वो जवाब देगा आपको। आप प्रार्थना करते हैं, जवाब की परवाह नहीं करते आप, और काम कर देते हैं, फिर पछताते हैं। वो गूंगा नहीं है, हमारा परमेश्वर गूंगा नहीं है, हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है, उसके हाथ छोटे नहीं है। आप उससे मांगिए, वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, आपको जिंदगी कैसे जीनी है। वो आपको हाथ पकड़ कर लेकर जाएगा। आप सिर्फ उसे बताइए कि मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूं, मुझे हर पल, हर क्षण, हर कदम में तेरी जरूरत है। जैसे मूसा कहता है, मूसा ने हजार कितने चमत्कार देखे, आपने कभी, हमने सुना है, हमने देखे नहीं है, लेकिन मूसा कहता है अगर तू नहीं है मेरे साथ तो कुछ नहीं है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। वो कहता है परमेश्वर कि मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे साथ भेजता हूं। मूसा जानता है, परमेश्वर कहता है मूसा मैं तेरे साथ स्वर्गदूतों को भेज रहा हूं। उसने कहा नहीं चाहिए मुझे परमेश्वर, मुझे नहीं, मुझे तू चाहिए। हम कभी कभी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए इतने उतावले हो जाते हैं। वो कहता है मैं स्वर्गदूतों को भेजूंगा, आपको कहे स्वर्गदूतों का नाम भी भेज दो, मैं शुरू करता हूं जल्दी से, बस मुझे काम शुरू करने दो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है प्रभु। हमें काम से मतलब है, प्रभु से नहीं, इसलिए प्रॉब्लम है। मूसा को काम से प्रॉब्लम, काम से मतलब नहीं था, प्रभु से मतलब था। मेरा काम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा प्रभु इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं धरती पर कोई भी काम क्यों ना करूं, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मुझे उसकी इच्छा को पहले ध्यान में रखना है। यही तो है परमेश्वर का प्रेम। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, आप कोई भी काम उसके बिना कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी काम, बड़े से बड़ा काम, छोटे से छोटा काम, आपको उसकी अगुवाई चाहिए। मुझे अगुवाई दे परमेश्वर, मुझे अगुवाई दे। आपको उसे रोज बताना पड़ेगा कि मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं। इस मशीन को मैं हाथ लगा रहा हूं, 10 साल से इस मशीन को हाथ लगाता हूं, लेकिन जब भी सुबह आप हाथ लगाएं, आप बोलें परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि इस मशीन को मैं चला सकूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। कभी यह मत करे इसको तो यहां से ऑन किया, ऐसे किया, 2 मिनट में बन जाएगा। नहीं, अपने मुंह से ऐसे शब्द मत निकालिए कि
हमारा घमंड दिखे, हमारा घमंड दिखे, ऐसे शब्द मुंह से मत निकालिए कि इस मशीन को तो मैं ऐसे चलाता हूं, मेरे दाएं हाथ का खेल है। नहीं, प्रभु की कृपा है तो मैं चला पा रहा हूं, प्रभु नहीं चाहता तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। परमेश्वर को मान दीजिए, उससे शुरू करने से पहले करिए, परमेश्वर मेरे हाथों में मेरी बुद्धि में बल देना कि मैं एक काम अच्छा कर सकूं। और जो भाई मुझे काम दे रहा है उसके लिए प्रार्थना करिए कि वो मुझे 2 रुपए देगा, परमेश्वर उसे 3 रुपए दीजिए, आप उसे 4 रुपए दीजिए। आप देखिए आपका काम कैसे बढ़ेगा। जहां से आपको आशीष मिल रहा है उसके लिए प्रार्थना करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए कि आज उस भाई की वजह से मेरे घर में 2 रोटी है, परमेश्वर उसको आशीष दीजिए, उसका कोई कमी घटी ना हो। उसके बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, आप देखिए आप कहां उठाए जाएंगे। कभी दोष मत लगाइए, अरे इतना काम करवाता है लेकिन इतने पैसे देता है यार, तो मत करिए, करिए तो दिल से करिए। क्यों सक्सेसफुल नहीं होते आप? क्योंकि अधूरे मन से करते हैं आप। कोई भी काम अधूरेपन से नहीं करना है। आपने काम, आप काम कर रहे हैं, उसका आपको 2000 मिल रहा है या 10000 मिल रहा है, वो कहानी पता है आपको। परमेश्वर ने मजदूर बुलाए, प्रेज द लॉर्ड, जिसको सुबह बुलाया था उसको भी 1 रुपया और जिसको 1 घंटे पहले बुलाया था उसको भी 1 रुपया। मेरी मर्जी है। जिसको सुबह बुलाया था वो कुड़ने लगे, अरे हम सुबह से काम कर रहे हैं, एक ही कीमत उसका। मैंने आपको कम दिया, आपको जो कहा था मैंने दिया। मेरी इच्छा है कि मैं 1 घंटे वाले को उतना दूं या उससे ज्यादा दूं। आप आशीष कब पाएंगे? जब आप दिल से करेंगे और धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद कि मुझे काम मिला है। करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है मेरी बहन, जिनके पास रोटी नहीं है खाने के लिए, जिनके पास छत नहीं है रहने के लिए। हम कभी कभी उस वैल्यू को भूल जाते हैं, उसकी कीमत को भूल जाते हैं। जहां हमारे पास थोड़ा पैसा आता है, जहां हमारा थोड़ा बैंक बैलेंस बढ़ता है, जहां लगता है कि 10-20-25 हज़ार रुपये हमारे पास आ गए हैं, 1 लाख रुपये आ गया है, हम समझते हैं बस, नहीं कुछ भी नहीं। कभी मत लाइए अपने अंदर। आप देखिए आप कितने आगे जाएंगे, कितने आप सोच नहीं सकते परमेश्वर आपको वहां लेके जाएगा। जिसके लिए काम करिए उसके लिए प्रार्थना करिए, उसके लिए आशीष मांगिए, जिससे कुछ भी पाए उसके लिए प्रार्थना करिए। चाहे वो आपको 1 गिलास पानी दे, चाहे वो आपको 1 गिलास रोटी दे, चाहे वो आपको 2 रुपए दे, चाहे वो आपको ज्ञान दे। अगर किसी से आपको ज्ञान भी मिलता है उसके लिए भी प्रार्थना करिए, आपको कुछ मिला है उससे, प्रेज द लॉर्ड, आपको कुछ मिला है, एक बुद्धि दी है उसने, कुछ ज्ञान दिया, धन्यवाद पिता परमेश्वर इसको आशीष दीजिए। तब वो जो ज्ञान आपको मिला है ना वो काम करेगा, तब वो ज्ञान आपके जीवन में काम करेगा और आप देखिए आप क्या से क्या बन जाएंगे। Praise the Lord। क्योंकि जब परमेश्वर कहता है जो भाई जमीन पर तेरी हेल्प कर रहा है, अगर तू उसका एहसान नहीं मानेगा तो मेरा क्या एहसान मानेगा तू? Praise the Lord। मैं कितना भी कुछ कर लूं, तुझे मैं कितना दे दूं, जिस दिन नहीं दूंगा तो दोष लगाएगा। 20 साल तक तो आपने दिया लेकिन इस साल क्यों नहीं दे रहे हैं आप? Praise the Lord। इसलिए हमें जहां से जो मिले उसका धन्यवाद दीजिए। आप बढ़ते जाएंगे, आपकी बढ़ोतरी के लिए है ये, उसके लिए नहीं है। उसको तो परमेश्वर देगा ही देगा क्योंकि उसने आपकी हेल्प की है, उसको प्रतिफल मिल गया है। लेकिन आपको बढ़ोतरी कब मिलेगी? जब आप धन्यवाद देंगे और उसके लिए प्रार्थना करेंगे। Praise the Lord। और वो कब होगा? जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होगा। Praise the Lord। इसलिए मेरी बहन परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर रखिए।
उसका प्रेम आप में दिखाई दे, जब आपकी परीक्षाएं हैं, जब आपकी आजमाइशें हैं, जब आपको दर्द है, जब आपको बीमार है, परमेश्वर का प्रेम अंदर रखिए, आपकी बीमारी में परमेश्वर का प्रेम दिखे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी चोट में परमेश्वर का प्रेम दिखे, कैसे? आपको चोट लगी और आप कहते धन्यवाद परमेश्वर, तू महान है पिता परमेश्वर, तू जैसा कोई नहीं है, हालेलुया। पड़ोसी कहेगा भाई दर्द हो रहा है और तू धन्यवाद कह रहा है। मैं सांता को जाता था सुबह म्यूजिक सीखने के लिए, वहाँ की जो ट्रेन वो जो प्लेटफॉर्म की जो सीढ़ियाँ थी, बताया था मैंने आपको, गिर गया था मैं, बारिश आ रही थी, कम से कम 19-20 सीढ़ियाँ मैं गिरा, धक 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 पूरा, लास्ट में किसी ने पकड़ लिया, नहीं तो नीचे तक जाता मैं। और मैं उठा और परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा था मैं, धन्यवाद परमेश्वर, तू महान है पिता परमेश्वर, तू जैसा कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, गलती मेरी थी, मैं आराम से चल रहा हूँ, अरे बारिश का दिन है, पकड़ ले भैया, ये डंडा किसके लिए रखा हुआ है, हैं? परमेश्वर बुद्धि भी देता है ना, बारिश का दिन है, पकड़ ले डंडा साइड का, थक थक थक, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो दुख में परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, संकट में परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब रोटी खाइए धन्यवाद दीजिए, उस आदमी का धन्यवाद दीजिए जिसको नहीं जानते, जिस किसान ने उस अनाज को बोया है और वो अनाज आप खा रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए कि आज हमें अनाज मिल रहा है उस भाई के वजह से जिसने अपने खेत में बोया होगा एक साल पहले और उसकी वजह से आज हमें रोटी मिल रही है, उसके लिए धन्यवाद दीजिए, उसके लिए प्रार्थना करिए। आप देखिए परमेश्वर का नियम, उसके नियम को समझिए, परमेश्वर आपको कहां से कहां उठाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन हमने ग्रहण किया, आशीष भाई बोलिए यीशु मसीह की।